प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। नौवां पड़ाव, मंगल मूर्ति, 1930 से 1955। छोटी मोटी बीमारियां, चोटें हमें लगती ही रहती थीं, फुंसियें भी बहुत होती थीं। इसका हमारे पिताजी ने यह इंतजाम किया था कि सुबह शाम एक कंपाउंडर अस्पताल से आकर हमारी मरहम पट्टी कर जाता था। हम लोग बड़े शौक से अपनी फुंसियें गिना गिना कर दवा लगवाते थे और भाइयों की 3-4 चोटों से अपनी 12-13 फुंसियों को ज्यादा महत्व देते थे। हमारे पिता की सतर्क व अनुभवी दृष्टि से कोई बीमारी छिप नहीं पाती थी। वे तत्काल रोग पहचान कर ठीक कर देते थे। परंतु एक बार छोटा भाई तेज बहुत बीमार पड़ गया। हमारे पिता को हफ्ता भर लग गया समझने में कि ये मेनिनजाइटिस है और इसका इलाज वे मुजफ्फरनगर में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बड़े भाई डॉक्टर संकटा नारायण को लखनऊ लिखा कि वे और वहाँ के अंग्रेज सिविल सर्जन को हाल बताकर राय लें। राय ये आई कि बच्चे को फौरन लखनऊ ले जाया जाए। पिताजी फौरन तेज को लेकर हमारी बड़ी बहन श्यामो जी के साथ लखनऊ गए। हम लोग भी छुट्टियों में बड़े दिन पर लखनऊ ही चले गए थे। हमने लाला जी की गोदी में तेज को लिए मोटर से उतरते देखा। वह एकदम बेहोश था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। हमने दौड़कर उसे गोदी में लेना चाहा तो पिताजी ने कहा, बेटी तेज बहुत बीमार है, किसी को पहचानता नहीं। तेज की हालत व लाला जी का उदास मुंह देखकर हम सहम गए। रात दिन तेज की देखभाल लाला जी व बड़ी जीजी करती थीं। डॉक्टर कर्नल बर्क सिविल सर्जन आते थे, बड़ी सी सिरिंज से रीढ़ की हड्डी के अंदर से पानी खींचते थे, फिर कुछ और दवा रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्ट करते थे। बच्चे को और उससे भी ज़्यादा हमारे पिताजी को तकलीफ होती थी, पर यही इलाज था। हम लोग तो स्कूल खुल जाने पर बनारस चले गए, पर हमारी माँ आ गई। भगवान के आशीर्वाद से हमारा भाई बच गया, पर बहुत दिनों तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था और अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखें इधर उधर घुमाता रहता था। एकाएक 2 महीने बाद एक दिन वह बोला, गेंद बल्ला बउआ, गेंद बल्ला। माँ एकदम चौंक गई। एक आध और चीजें दिखाकर नाम पूछा। तेज के नेत्रों का तेज वापस आ गया था। अब तो घर भर की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 300-400 आदमियों की दावत हुई। फरपों से, दिल्ली से तरह तरह के केक व मिठाइयां मंगाई गईं। दादा ने निमंत्रण लिखा बहुआ की तरफ से। छोटे भाई रघुवीर के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जा सकी थी। पुनर्जन्म हुआ है तेज का, जन्मा है रघुवीर, श्री रघुनाथ कृपालु भये, दूर करी सब पीर। बस उस दावत में हम दोनों बहनें नहीं थे, हमारे सालाना इम्तिहान थे। अप्रैल में जब हम बनारस के स्कूल से लौटे तब डिब्बे बंद फल हमारे लिए बचे थे और केक पेस्ट्री की कहानियां प्रताप दादा चटखारे ले लेकर सुनाता था। माँ ने बनारस की संकटा देवी की मनौती मान ली थी, जो वे वर्षों तक नहीं उतार पाई। 20 वर्ष बाद जनकपुर यात्रा पर जाते समय कुछ घंटे बनारस रुककर उन्होंने संकटा देवी के प्रति आभार व्यक्त कर पाया और 1 घंटे को पहली व अंतिम बार मेरे ससुराल आकर मेरी सास से भेंट कर उन्हें नजराना दिया।